दोस्तों, अगर आपको वीडियोस, मैजिक वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ये पेज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये दिल्ली मैजिक शॉप का ऑफिशियल पेज है, यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा मैजिक सामान भी मिल सकता है, मैजिक वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली मैजिक शॉप के एक और वीडियो में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं इस मैजिक छोटे मैजिक किट की। यह है एक छोटा मैजिक बॉक्स जो खास दिल्ली मैजिक शॉप ने उन लोगों के लिए बनाया है जो अभी मैजिक सीखना चाहते हैं। खोलते हैं इस बॉक्स को और दिखाता हूँ इसमें क्या है। यह है अनबॉक्सिंग इस मैजिक बॉक्स की, जो है मैजिक टॉयज़। यहाँ पर आपको देखने को प्रैक्टिकल मैजिक टॉयज़ है। ये रियली प्रैक्टिकल है, जो भी आपको इस बॉक्स में मिल रहा है ये आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जादू आपको YouTube पे देखने को मिलेंगे जो सच में करने बहुत मुश्किल हैं, हाथ उनमें प्रैक्टिस करना तो बहुत दूर की बात है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इनमें क्या क्या सामान आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर है कुछ सिंपल मैजिक एक्ट। सबसे पहले तो ये है मैजिक कार्ड्स, और ये स्पेशल मैजिक कार्ड्स हैं जो मैजिक शॉप्स पे ही आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में है रिंग एंड चेन का मैजिक। ये बहुत सिंपल मैजिक है बिगिनर्स के लिए। ये भी आपको हम परफॉर्मेंस और सीक्रेट की बात करेंगे हमारे अगले सेक्शन में। और ये है एक ग्रीन कलर का हैंकरचीफ। बहुत सारे आपने ऐसे मैजिक देखे होंगे जो मैजिशियन अपने हाथ में सिल्क लेकर वैनिश कर देता है, तो वही पर्पस का ये मैजिक है और उसी काम आने यही काम आने वाला है। ये इसको बोलते हैं टीटी सिल्क। और क्या है इसके पीछे की स्टोरी, वो आपको अगले सेक्शन में जानने को मिलेगी। तो इस किट में आपको यही मिलेगा उन लोगों के लिए जो बहुत कम दाम में मैजिक सीखना चाहते हैं और एक वाजिब दाम रखे हैं इस मैजिक किट का। आगे बढ़ते हैं इस सेक्शन में और आपको मैं बताऊंगा कि इन सब मैजिक का प्रयोग कैसे करना है। ओके, तो ये सामान है इस मैजिक किट का, जो हैंडी मैजिक किट है जो बिगिनर्स के लिए दी जा रही है। हम बात कर रहे हैं इन सभी में प्रोवाइडेड सामान की, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना है, और अपने दोस्तों को आप मैजिक से एंटरटेन कर सकते हैं सिर्फ ग्रुप्स वगैरह में दिखाकर। ये उन लोगों के लिए हैं जहाँ कुछ आपको खास प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप कुछ अच्छा जादू दिखाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन मैजिक कार्ड्स की। तो ये कुछ खास मैजिक डेक है जो मैंने आपको दिखाई। इसमें देख सकते हैं सभी कार्ड्स अलग हैं, सभी कार्ड्स अलग हैं। तो इसमें कोई भी एक रैंडम कार्ड, कोई भी एक सिलेक्टेड कार्ड मैं आपको देता हूँ। मान लेते हैं आपने सिलेक्ट किया जैक ऑफ हार्ट्स, तो यही आप बोल सकते हैं अपने दोस्त को कि अगर आपके तीन दोस्त एक साथ बैठे हैं, दो दोस्त एक साथ बैठे हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्त को आपने दिखाया जैक ऑफ हार्ट्स, फिर दूसरे दोस्त के पास गए, आपने उनसे पूछा कार्ड सिलेक्ट करने के लिए, तो आप कहीं भी उन्हें कहिए कि अपनी जहां पर भी आपको पसंद है अपनी ये उंगली उस कार्ड पर रख दीजिए जहां आपको मन करे। तो ये मान लेते हैं अगर यहां रखते हैं वो, तो मैं आपको ये कार्ड दिखाता हूं, बिल्कुल अपनी मर्जी से पसंद किया जाने वाला कार्ड है। ये है जैक ऑफ हार्ट्स, फिर से जैक ऑफ हार्ट, दूसरे दोस्त के पास भी यही जैक ऑफ हार्ट्स आएगा। लेकिन आप हैरान होंगे ये देखकर कि जब मैं चुटकी बजाता हूं तो ये वाला कार्ड आपका बन जाएगा और ये कार्ड बीच में से ऊपर आ गया है। मैं आपको फिर दिखा दूं कि ये सभी कार्ड्स अलग हैं। कहीं
कहीं से भी कार्ड को सिलेक्ट करवाया जाए, जैक ऑफ हार्ट्स, इसे हम एक बार हाफ करके भी मैं इसे रख देता हूँ। मान लेते हैं कि इसे यहाँ से यहाँ रखा, जादू किया और देखिए आपका कार्ड अपने आप सामने आ गया। ये किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, ये किसी भी ऊपर या नीचे कहीं भी आ सकता है। मान लेते हैं फिर से अपने मैं इसको आधा करता हूँ, तो यहाँ या यहाँ जहाँ आप कहेंगे, ये देखिए आपका कार्ड मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे खेल हैं इस कार्ड के, और ये जैक ऑफ हार्ट्स उठाकर अगर मैं पीछे की तरफ रखता हूँ, ये जैक ऑफ हार्ट है, देख सकते हैं जैक ऑफ हार्ट है, और इसे दो बार टैप किए और सारे पत्ते एक जैसे हो गए, एक को छोड़कर जो है सबसे आगे, इसको छोड़कर बाकी सभी पत्ते एक जैसे हो गए। तो दोस्तों इस जादू के और भी बहुत सारे खेल हैं जो मैं आपको बताऊंगा जब आप ये किट तैयार हो जाएंगे इस किट को लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे किट हैं आपको दिखाने के लिए, और उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। इन सामान में खास बात तो ये है कि इस किट में जो भी आपको सामान देखने को मिल रहा है, दूसरी किट में आपको वो अलग ही सामान मिलेगा। तो जितना आप किट लेंगे, हर सामान आपको एक बेहतर जादूगर बनाता रहेगा। मेरा ये मानना है कि हर किट में सामान अलग है, जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको जादू का सामान भी उतना ज़्यादा मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों को आप उतना ही आप हैरान कर सकते हैं। जादू एक कला तो है ही, साथ में इसका साथ साथ प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छे से प्रैक्टिस करके दोस्तों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए है मेरे सामने एक चेन और एक छोटा सा रिंग। चेन को आप इस तरीके से हाथ में रखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ टॉप व्यू पर, ये दर्शक इस एंगल से इस व्यू से आपको इस चेन को देख रहे हैं। तो क्या है इसका जादू, इस रिंग को मैं इस चेन में डाल रहा हूँ और यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल ज़मीन तक टच भी नहीं हुई और ये लॉक हो गई। जी हाँ, सच में ये लॉक हो गई है, कोई मैग्नेट नहीं है इसमें, कहीं कोई और इसमें मोटी नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी, एक आम चेन है और आम रिंग है। लेकिन इस दोनों की खास खासियत क्या है, ये किसी भी चेन और रिंग से आप कर सकते हैं, पर एक बार आपको टेक्निक सीखना होगा। यहाँ से अगर मैं ऊपर ले जाने के बाद, देखिए रिंग को मैं ऊपर ला रहा हूँ और यहाँ से छोड़ दूँगा तो ये लॉक हो जाता है। ये सच
नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया होगा, और नहीं तो गूगल पे जाके सर्च करना है आपको www.dillimagicshop.com, और वो सर्च करने के बाद आपके पास एक हमारी वेबसाइट खुल जाएगी जिस पे हर प्रोडक्ट और उसके सामान का रेट होगा, और अगर वहां से आप ऑर्डर करते हैं तो आपको काफी सारा छूट मिल सकता है, डिस्काउंट मिल सकता है आइटम के ऊपर, और ऑनलाइन पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या क्रेडिट कार्ड से आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करने आती तो आपको यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा, आप हमें व्हाट्सएप करके वो सामान भी मंगवा सकते हैं।